लातूर में नशे में धुत जेसीबी ड्राइवर ने कई राहगीरों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेसीबी चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बेकाबू वॉल्वो बस कई वाहनों को टक्कर मारते निकली। हैबल फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया। दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च का पाउडर छोंककर साथी जावेद को छुड़ा लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रील बनाते छठी मंजिल से गिरी लड़की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बालकनी में वीडियो बनाते वक्त गिरी लड़की। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद। हाथ पैर बांधकर युवक की डंडों से पिटाई की। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो वायरल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतापुर में महिला ने शारदा नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने राहगीरों की मदद से महिला को नहर से बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। चोरी के 25 बाइक बरामद। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शातिर चोरों से जानकारी जुटा रही है। लेके आई जाए एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जहां कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद किए हैं। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कानपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने डंडों और लात घूसों से बुजुर्ग को पिटा। पुलिस पर दबंगों को गिरफ्तार न करने का आरोप। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर मगरमच्छ की मौत। 2 हिस्सों में बटा मगरमच्छ। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूँ आपके साथ अंजलि रजावत, और तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर आएगी। वो बड़ी खबरें क्या है, आइए चलते हैं सीधा अनूप के पास। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबरों की बात। कौन सी वो बड़ी खबर है जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और आपको अपडेट करेंगे, तो ये टीवी स्क्रीन पर आपके तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरें जिन पर आज दिन भर हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बात कोलकाता कांड की, जहां सीबीआई अब राज खोलेगी, क्योंकि कोलकाता कांड की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वही आज क्राइम लोकेशन जो है, जी हां, जहां घटना स्थल है वहां पर सीबीआई की टीम जाने वाली है। और बड़ी खबर जो है वो कन्नौज से, जहां सपा नेता जो है वो रेपिस्ट निकला है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई है। अब दायरा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वही देखिए, मनीष सिसोदिया आज से पैदल मार्च करने वाले हैं। इसके अलावा डोडा की भी खबर हम आपको बताएंगे, जहां मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। वही जनता से शेख हसीना ने खास अपील की है। क्या है वो खास अपील, ये भी आपको बताएंगे। तो वही देखिए, विनेश फोगाट को लेकर फैसला टल गया है। कल फैसला आना था, लेकिन अब 16 अगस्त को ये फैसला आएगा। ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, और हर एक अपडेट इन खबरों से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। तो खबरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं आपको कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें जिनको हम आप तक आज दिन भर इससे लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि सीबीआई अब कोलकाता मर्डर और रेप मामले में जांच पड़ताल करने वाली है, क्योंकि पुलिस से सीबीआई ने सारे दस्तावेज ले लिए हैं और अब इस मामले की जांच पड़ताल अब सीबीआई के हाथ में आ चुकी है। यानी कि पूरे मामले को गहनता से समझा जाएगा और आज सीबीआई की एक टीम घटनास्थल पर जाएगी। रेप मर्डर केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई के हाथ में आ चुके हैं और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आ चुकी है सीबीआई की टीम, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और ये केस अब आखिरकार जो मांग उठ रही थी, तमाम डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मांग उठ रही थी कि ये पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा ही होनी चाहिए, और अब सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और सीबीआई की एक टीम आज घटनास्थल पर जाएगी, यानी कि उस सरकारी अस्पताल में जहां उस डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। फोडा ने देशव्यापी हड़ताल खत्म कर दिया है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले के विरोध पर यह हड़ताल पर थे तमाम डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टर
जबकि फेमा जो है, फेमा डॉक्टर जो एसोसिएशन, वो हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की मांग भी जायज है, इसे लेकर वो हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन हाँ, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया, जबकि फेमा डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर आज भी रहने वाले हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक टीम कल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची थी, उसके बाद आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद फोडा ने देशव्यापी हड़ताल खत्म कर दी है, यानी आज से ओपीडी सेवा जो है वो शुरू हो जाएंगे। जहां पर फोडा के डॉक्टर्स हैं वहां ओपीडी सेवा शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत परेशानियां हो रही थी। लेकिन फेमा डॉक्टर एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर रहने वाले, उनका कहना है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वो हड़ताल पर रहेंगे। तो देखिए, अब एक्शन भी शुरू हो गया, सीबीआई जांच कर रही है। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में बेहतर कार्रवाई की जाएगी, डॉक्टरों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, जो डॉक्टर फोडा के अंदर आते थे उन्होंने अपनी देशव्यापी हड़ताल खत्म कर दी है, जबकि फेमा डॉक्टर एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि सुरक्षा का मुद्दा भी डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा है, इसे लेकर जब तक बेहतर आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनकी हड़ताल रहेगी। लेकिन थोड़ी राहत की बात ये कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग थे जो देशव्यापी हड़ताल कर रहे थे उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, हड़ताल खत्म कर दी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोलकाता कांड जहां सीबीआई जांच करने वाले, तो वहीं देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है। इस्तीफे की मांग कर रहा हूं कि इस्तीफा दें। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस सीबीआई की एंट्री ममता के बंगाल में बैन थी, वही सीबीआई अब बंगाल में उस केस की जांच करेगी जिसमें महिला डॉक्टर से दुष्कर्म किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसके शरीर को नोच डाला गया और हैवान पर एक्शन लेने की बजाय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने में जुट गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही भयानक बताया, देश भर में डॉक्टरों के गुस्से को जायज ठहराया, साथ ही पुलिस की जांच को नाकाफी बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, मामले की जांच का जिम्मा अदालत ने सीबीआई को सौंप दिया है। अभी तक बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, यानी राज्य सरकार इस दरिंदगी की जांच करा रही थी। हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो, ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने। ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल में अपराध के खिलाफ दीदी की पुलिस नाकाम साबित होती रही, शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने मामले की जांच खुद ही सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच से प्रदेश सरकार पर आंच बढ़ सकती है, वहीं जांच सीबीआई के पास पहुंचा तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई, तो पलटवार टीएमसी की तरफ से भी किया गया। घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। अगर आपको एक बेटी की निर्मम हत्या में कुछ भी दर्द है तो होने दीजिए, आपकी पुलिस कैसे काम करती है पूरा देश देख चुका है। सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया। कोलकाता कांड मामले में सियासत जारी है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के बाद सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फैसला किया। हालांकि फेमा डॉक्टर एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि इंसाफ के साथ साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज
एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो घटिया कुछ नहीं होगा। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत के मांगे पूरी हो सके। 8 अगस्त को हुआ सर, आज 13 अगस्त हो गया, ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक, अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एक सीबीआई टीम के द्वारा। अस्पताल एक डॉक्टर का दूसरा घर होता है, अगर अपराधी घर में घुसकर हत्या को अंजाम दे जाए तो अस्पताल प्रशासन के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अब जांच सीबीआई के हाथ में है और जल्द ही बंगाल कांड का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इधर बात करते हैं कन्नौज कांड की, जिस मामले में अब रेप की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि पहले नायाब यादव पर जहां आरोप लगा था कि रेप की कोशिश की है, लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आती है तो रेप की पुष्टि होती है। ये बड़ा जो खुलासा हुआ है कन्नौज कांड में, क्योंकि अभी तक जहां इस पूरे मामले में सियासत भी जारी थी, लेकिन अब जब पॉक्सो कोर्ट में भी सुनवाई होगी तो पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने का ये बड़ा खुलासा होता है। और आपको बताते चले कि नायब सिंह यादव जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज में प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया था, वो आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन अब रेप की पुष्टि भी हो चुकी है जैसे ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है। और देखिए कन्नौज केस में सपा से जुड़े नेता पर अब चलेगा रेप का केस, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने नाबालिग से रेप की पुष्टि कर दी है। अब तक आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन देर शाम मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि हो गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर रेप की धाराएं लगाई जाएंगी। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया।